आज हम आए ऐसी जगह जो बंदा हर सुबह उठ के जिस जगह जाता है ना, हाँ। उस जगह आया। खेत की बात नहीं कर रहे? खेत की बात नहीं कर रहे, हम खेत जैसी है, खेत जैसी जगह है। हम बात कर रहे हैं टॉयलेट म्यूजियम की। तो हमने अभी टॉयलेट म्यूजियम में एंट्री करी है। ये आपका पड़ता है कहाँ? पालम में। पालम में आप आएंगे, पालम में जीपीएस पर लोकेशन डालना तो आपको टॉयलेट म्यूजियम दिख जाएगा। टॉयलेट म्यूजियम में बहुत एंशियंट टाइम से लेकर आज तक के सारे की हिस्ट्री है। तो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं और अब हम आपको टॉयलेट म्यूजियम दिखाते हैं। सबसे पहला टॉयलेट म्यूजियम आपको दिखाते हैं, ये पर्दे वाला। अरे ये क्या निकला है अंदर से? अरे ये क्या निकला है? हम तो चेक कर रहे थे तभी कि असली है कि नकली है, तो वो भी नहीं करने देते हमें। तभी तो घर घर शौच जरूरी है, बाहर करते हुए ऐसे देख ले तो पर्दा ना लगाए, दरवाजा लगाए। तो सर अब हमें बताएंगे सर प्लीज आजिए कि ये जो हमारा ये वाला जो वुडन अभी हमने आपको दिखाया है वो कौन से सेंचुरी में यूज होता था और क्या पर्पस था? स्पेशलिटी यही है कि ये सब 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं। जो रॉयल फैमिलीज होते थे ऐसे पॉट्स को गोल्ड डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते। अच्छा, मतलब बड़े लोग की बड़ी बात। अच्छा, अब बड़े लोग हैं तो शौक बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ज्यादा शोकेस के लिए था कि यार मेरे घर में हीरे का टॉयलेट है। अच्छा, फिर वो कभी कभी यूज भी करते थे, फिर जो स्टाफ था सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रखता था। अच्छा। ताकि ये स्मेल अच्छा करे। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर टॉयलेट सीट भी था। अच्छा, ऊपर खाना हो गया और नीचे जाना हो गया। ये जो टॉयलेट अभी हमने दिखाया है, ये चंदन सर ने जो बताया था कि ये यूज होता था पिकनिक के लिए भी और पॉटी के लिए। मतलब क्रिएटिव है लेकिन अनहाइजीनिक भी है। मतलब उन्होंने बताया था कि जब शिकार पर लोग जाते थे राजा महाराजा, तो किताब पढ़ना, फ्रूट्स काटना, खाना खाना, तो उसके लिए एक टेबल फ्लैट चाहिए होता था। तो टेबल इस फॉर्म में बना होता था और जब उनको खाया पिया निकालना होता था तो ये ऐसे हो जाता था। नीचे इसकी बाल्टी है, मतलब जो वेस्ट होगा ऑब्वियसली जंगलों में चले जाता होगा। थैंक यू। ये लाइफ में बहुत से टॉयलेट सीट देखा। हाँ जी, ये भी आपका टॉयलेट सीट। हाँ जी, इसको बोलते हैं बुक शेप टॉयलेट या इंसल्टिंग टॉयलेट का नाम से इसे जानते हैं। अब इंसल्टिंग टॉयलेट इसलिए बोलते हैं कि अपने इंडिया में अगर हम बुक में टच करते हैं, हमारा पैर टच होता है, तो हम क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांस ने क्या किया, शेक्सपियर और मैकबेथ के इंसल्ट के लिए और ब्रिटिश के इंसल्ट के लिए मैकबेथ की बुक को ली, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट ऐड किया और इसी बुक पे बैठ के वो लैटिन करते हैं। तो इंसल्ट करने का नया तरीका था इनका। ये कैसा इनका है? लुईस 14 का। लुईस 14 था, उसका एक्चुअली टॉयलेट से कह रहे कॉन्स्टिपेशन होता था उसको, तो सभा में जब इंसाफ करना होता था इंसाफ के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो कहते कि इन्होंने अपने सिंहासन में ऐसा करवा लिया था। मैं कह रहा पब्लिक आएगी सर नहीं चाहिए इंसाफ, इंसाफ नहीं चाहिए। मतलब मुद्दा ये है कि सफाई हर चीज का है। मतलब लुई 14 जो भी था, मतलब हम मजाक जो भी उड़ा ले, बट बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग था। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, बट उसने अपनी राजगद्दी के अंदर टॉयलेट बनवा दिया। और सर ने, चंदन सर ने एक और चीज बताई थी कि उनके बारे में एक बात थी कि वो साल में सिर्फ पूरी जिंदगी से दो बार नहाए, धोए कितनी बार वो पता नहीं, धोए उनको आती नहीं थी। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस शीट का? वेस्टर्न। हम तो वेस्टर्न ही बोलते हैं, वेस्टर्न बोलते हैं। वेस्टर्न मींस इंग्लिश मींस आउट ऑफ इंडिया। तो ये वेस्टर्न टॉयलेट है तो वेस्टर्न सीट भी फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वेस्टर्न सीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन मोहनजोदड़ो। सेंचुरी था आपका 2500 सेंचुरी, मतलब 3rd millennium BC, मतलब 5000 साल पहले। अब हम साइंस के जमाने में है तो प्रूफ चाहिए हमें, तब भरोसा करेंगे। तो आते हैं प्रूफ में, चलो प्रूफ देखने चलते हैं। प्रूफ देखने कहाँ सा? ये है आपका प्रूफ, ये प्रूफ यही है ना आपका इंग्लिश शीट। हाँ, ये सेटिंग है, इंग्लिश ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। और ये सर पाइपलाइन है सीवेज की? क्या ये सीवरेज है? सीवरेज है, मतलब हमसे ज्यादा एडवांस थे। मतलब इस चीज का मॉडर्न वर्जन जो आज की डेट में यूज होता है वो ये है जो हम घरों में अपने यूज करते हैं। बट जिस चीज को हम इंग्लिश टॉयलेट कहते हैं, सर ने आज क्लियर किया, वो मोहनजोदड़ो संस्कृति से सबसे पहले यूज हुआ था। उसका सबसे पहला फॉर्म ये था, ये जो सर ने दिखाया, सीटिंग अरेंजमेंट ऊपर से वॉल्स के साथ और साथ में सीवरेज का ड्रेनेज सिस्टम। हमारी संस्कृति में जो सारी इन्वेंशन है वो पहले हो चुकी हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, बट अंग्रेजों ने अपना नाम ले लिया। क्या मेडिसिन टर्म? सर आपका नाम चंदन। चंदन सर है, आप टॉयलेट म्यूजियम आएंगे, जो भी आपको जानकारी चाहिए, इन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है। अगर हम खुद घूमते तो हमें तो पता भी नहीं चलता क्या है, बट इन्होंने सारे एंशियंट टॉयलेट्स
जो भी है उन सबके बारे में जानकारी दी। थैंक सर, थैंक यू, थैंक यू। बाहर चलते हैं गाइस, बाहर आपको कुछ और दिखाते हैं, आ जाओ। अरे मैडम जी कहाँ गई? मैडम जी गई। तो बोला कह रहा मैडम जी बताएंगे आपको बाहर का। यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4 लास्ट तक ये है टॉयलेट के स्ट्रक्चर्स, इसमें लिखी हुई है कॉस्टिंग। इट मीन अगर किसी को ये स्ट्रक्चर बनाना है गांव के अंदर तो कितनी कैपेसिटी के लोगों के, कितने कैपेसिटी के लोगों के लिए कितना खर्चा आएगा और कितनी ईयर की कैपेसिटी होगी, वो सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये वाला, सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये। और इसकी अगर बात करें तो ये आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना, 5 लोगों के लिए 2 साल के लिए मतलब मैक्सिमम खर्चा 10 यूजर्स, 3 साल कैपेसिटी, 19,000 का खर्चा, मतलब अंदर का सामान भी है पूरा, टॉयलेट वगैरह सब कुछ लगा के पूरा। ये स्ट्रक्चर है आपका उसके लिए, ये सीवेज हो गया। और आपका टॉयलेट दिखाते हैं। ये मुझे वो दरवाजा देख के ना वाली याद आ गई, बोली थी मूवी नॉर्मली, मतलब बेसिकली ये आपका 15,000 की कॉस्टिंग, जिसमें आपका बाहर डंपिंग के लिए। और आज की इस दुनिया में, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट में जी रहे हैं ऑब्वियसली सिटीज़ के अंदर, तो आपको कोई भी वुडन या कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो गांव से रिलेटेड बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक चीज़ दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, देख के ऐसे फील आ रहा है मतलब बिल्कुल गांव में, विलेज के अंदर, मतलब बिल्कुल सुकून शांति वाली कोई जगह होगी। आसपास के कॉन्क्रीट को हटा दो, अब इसके अंदर जाके देखते हैं। अरे भाई तो क्या क्या यार, फिर यहीं आ गया। अरे भाई करने तो दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बंदे हमें हर जगह मिल जाते पॉटी करते हुए, पता नहीं कैसे। अरे भाई खाया है कहीं तो निकालेंगे, टॉयलेट म्यूजियम आया, टॉयलेट हगने नहीं है। नहीं भाई, सरकार की वो जो उन्होंने जो प्लान दिया, हम चेक तो करें कि 10 साल में भरता है नहीं भरता, कहीं 1 साल में भर गया तो। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे एक स्पेशल टेक्नोलॉजी अनाउंस हुई है, मेरे को आज पता चला। जैसे मैं पर्दे में 2 बार, पर्दे वाली जगह पे 2 बार गया, वहाँ पे 2 बार धरा गया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे बाहर की जगहों में या फिर नॉर्मल जगहों में होते ना कुंडी वाले टॉयलेट, ये होते सिंगिंग वाले टॉयलेट, इसमें गाना गाना जरूरी नहीं तो धरे जाओगे। जैसे मैंने धर लिया 2 बार इसको। चलो गाइज, एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ, नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे। कुछ बोलना चाहेंगे दो जगह आप मिले हो हमें पॉटी करते हुए? नहीं तो भाई करने देते ना भाई, अब देखो खुले में तो कर नहीं रहते। अब देखो दिक्कत ये है कि खुले में करे तो लोग डिस्टर्ब करे, बंद में करे तो लोग डिस्टर्ब करे, तो करे क्या? मतलब व्लॉगिंग के जमाने में इंसान पॉटी भी नहीं कर सकता। चलो जी बाय।